नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आप तक तमाम ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं और ऐसे नुस्खे आप तक हम लाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए वास्तव में रामबाण उपचार का काम कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है और एक हष्ट पुष्ट शरीर के साथ वो चाहता है कि मैं अपना जीवन यापन करूं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो चाहत होती है, मनोकामनाएं जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं और उसका जो मुख्य कारण होता है वो स्वयं हम खुद होते हैं। क्योंकि जब हम अपने शरीर को परिश्रम नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को वो श्रम नहीं दे पाएंगे जो आवश्यकता है, अपने शरीर को उस तरीके का भोजन नहीं दे पाएंगे जो ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो शरीर की जो पूरी प्रणाली है, जो पाचन तंत्र है, सांस लेने का जो तंत्र है, ये जितने भी तंत्र हैं इनको जब हम सही समय पर सही मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है परेशानी और वो परेशानियाँ आगे चलकर रोग का रूप ले लेती हैं। तमाम इन विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम वो जागरूकता लेकर आते हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें, तंदुरुस्त भी रख सकें और अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाए रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ वरदान स्वरूप दिया है, लेकिन अक्सर हम उस चीज़ों को, हम उन वस्तुओं को ग्रहण करना हमें ध्यान नहीं रहता, या यूं कहें हम उसकी महत्वता को ही नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ कहीं बाहर से नहीं बनाई जाती, मानव निर्मित नहीं होती, ये सब चीज़ें प्रकृति पर निर्भर होती हैं। प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। तो इन चीज़ों को जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृत्रिम चीज़ों से हम जितना अपना नुकसान कर लेते हैं फायदे के मुकाबले, वो सारी चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए काफ़ी होती हैं। तो ये जानकारी आप तक होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं, कभी ऐसी विषम परिस्थितियों में हम कैसे घरेलू उपचारों के माध्यम से ही अपना इलाज कर पाएँ, ये जानना, ये समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाई जाए जिससे आप अपना उपचार भी स्वयं कर सकें। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और कई विषयों पर हम चर्चा करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं, जो उपचार, जो सलाह आपको दी जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एड को लेकर, यानी त्वचा, जो हमारी जो त्वचा होती है ये कभी जल जाती है, चाहे वो आग से जल जाती है, गर्म पानी, गर्म चाय या दूध गिर जाता है तब जल जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जलने के, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा कारण आग ही होती है। अग्नि द्वारा जलने पर जो मांस है, जो त्वचा है, वो एकदम से विकसित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट एड के तौर पर हम क्या कुछ कर सकते हैं इमरजेंसी उपचार, और इसको फिर ठीक करने के लिए हमें बाद में क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, त्वचा जलने के बाद मेडिकल में तो फर्स्ट एड है, बर्नौल उसको लगाते हैं। फिर आगे उनका इलाज भी बड़ा लंबा चौड़ा चलता है, और जख्म बिगड़ जाए तो फिर उसके बाद उसमें कैंसर भी पैदा हो जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें मन गढ़ंत तरीके से कोई इलाज नहीं किया जाता, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपचार उन्हीं चीज़ों से किया जाता है जो आपके हमेशा रसोई घर में हो। बिल्कुल। सबसे पहला तो यह है
कि आपके पास गेहूं का आटा है तो आटे को फटाफट पानी डाल के गूंद के और जहाँ पे जल गया वहाँ पे उसका जैसे रोटी बनाते ऐसे उसका लेप कर दें। तो उसके लेप करने से एक तो वहाँ पे ठंड हो जाएगी, जो उसमें जल नहीं थी वो समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यदि आपके पास मूंग हैं तो मूंग को कढ़ाई के अंदर डाल के तेज आग पे उसको जला दें। जब तेज आग के ऊपर कढ़ाई नीचे से लाल होगी तो मूंग जलेंगे, धुआं निकलेगा उनसे। जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो राख बन गई। अब ठंडा होने के बाद इन मूंग को अच्छी तरह पीस करके कपड़े से छान लें, जितना ब्रिक पाउडर होगा उतना अच्छा। फिर इसमें यदि आपके पास गाय का घी है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो तिल का है, सरसों का है, अलसी का है, कोई भी तेल है, वो तेल उस जले हुए स्थान पे लगा दें। और ऊपर से जो आपने मूंग जला करके राख बनाई थी उस राख को ऊपर उसके डाल दें ताकि तेल की वजह से वो चिपक जाएगा। तो जैसे ही वो आटा उस पर डाला जाएगा तो जैसे ज़मीन पे पानी पड़ने से नमी आके ज़मीन की दरारें भर जाती हैं, ऐसे जहाँ जहाँ भी जलने का कोई भी असर था मूंग की दाल ऐसे चूसेगी जैसे रेता कीचड़ को चूसता है। और सुबह शाम दो टाइम ये लेप करना है। लेप करने के बाद एक घंटे के लिए विश्राम करना, उसके बाद इस पे पीपल के पत्ते या बड़ के पत्ते लगा के ऊपर से कपड़ा लपेट दें ताकि वो गिरे ना जी। तो इससे होगा कि एक तो वहाँ पे जो जख्म हो गया जलने का वो जख्म ऐसे भरेगा जैसे तेज बारिश आने पे नीवी जगह पे कोई गड्ढा है और दाएं बाएं की मिट्टी कट के पानी के साथ आके गड्ढा पूरा हो जाता है और पानी तब आगे निकलता है। इसी प्रकार चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर जले हुए का त्वचा में गड्ढा पड़ चुका वो ऐसे भरेगा। और महीनों पुराना भी इस लेप से हफ्ते में भर जाता है और त्वचा बिल्कुल साफ हो जाती है, जले हुए का निशान भी नहीं होता और उसमें बाल भी आ जाते हैं। 1993 की बात है कि हरियाणा से एक बच्चा लाए मेरे पास, लड़की थी वो, उसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल की थी। तो माँ रोटी बना के उसको अपने पास सुला रखा था साइड में, दूध का भगोना उठाया उसने उबलता हुआ और उसके पता नहीं क्या गलती हुई, वो भगोने का दूध जो है लड़की के सिर के ऊपर गिर गया जी। अब लड़की तो बेहोश हो गई और सिर की चमड़ी बाल ऐसे उतर गए जैसे मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारते हैं। रात को डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें बर्नाव लगाया, उसके बाद पट्टी कर दी, परंतु बच्ची रोने से बंद ना। मेरे पास आए, जब मैंने देखा तो मैंने उनको कहा कि जाओ 1 किलो मूंग लेके आओ। मूंग मंगवाए, 1 कढ़ाई के नीचे गैस जलाई, उसमें मूंग डाल के मूंग जला दिए,
जब राख बन गई उसको पीस के कपड़े से उनसे छुनाया और मैंने एक तेल ऐसा बना रखा कि उस तेल को लगाने से दाद है, चम्मल है, एक्जिमा है, सोरायसिस है, फोड़ा फुंसी है, जला हुआ, सब में ऐसे शांति मिलती है जैसे बर्फ की पट्टी रखते हैं। तो सबसे पहले तो उसको लड़की को मोर के पंख से सिर पे तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद जो बच्ची रो रही थी वो रोना बंद हो गया। और उसके बाद मैंने उसकी माँ को कहा, वो छाती का दूध पिलाती थी उसको, कि अपना छाती का दूध पिला इसको। लड़की ने बड़े आराम से दूध पी लिया। उसके बाद दोबारा तेल लगा के जो हमने मोंग जला के राख बनाई थी वो उसके सिर के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह लगा करके, और उसके बाद उस पर प्लास्टिक की पन्नी रख के और ऊपर खाकी रंग की सेलो टेप की पट्टी लगा दी जिससे कि वो गिरे ना। और फिर मैंने उसकी माँ को बाप को कहा कि देखिए ये रात को सोने से पहले उतार देनी और जितनी ये झड़ जाएगी उतनी झड़ने देनी, बाकी तेल लगा के दोबारा ऐसे भस्म लगाने और इसको नहलाना, तो सिर पे पानी ना लगे, बाकी सारे शरीर को आप चाहे पानी में बैठा के इसको नहला दें, चाहे आप कपड़ा गीला करके इसका शरीर पोंछ दें। ये 8 दिन की भस्म मैंने आपको बना के दे दी। 8 दिन बाद आप इस बच्ची को मेरे पास लाना, यदि कोई कमी रह जाएगी तो उस टाइम आगे और दवाई दी जाएगी। 8 दिन के बाद जब वो आए तो लड़की के सिर में पूरे गड्ढे जो थे वो भर चुके थे और सिर ऐसे हो गया कि जैसे जला नहीं था, पहले की चमड़ी है वैसी चमड़ी आ गई। और खुशी की बात यह है कि पहले उस बच्ची के सिर के बाल भूरे रंग के थे, अब जो बाल आए वो बिल्कुल काले रंग के और घुंघराले बाल आए। अब परिवार को भी खुशी हुई, मुझे भी हौसला हुआ कि देखो एक कन्या का जीवन दान मिल गया। फिर जो उनको दवाइयाँ खाने की पहले दी थी वही दवाइयाँ उनको खाने के दे दी। और उसके बाद जो भस्म बची हुई थी उसको मैंने कह दिया कि आप इसी को लगाते रहना। उसके बाद 15 दिन बाद जब वो आए तो कोई पट्टी नहीं कर रखी थी, तो बच्ची का पूरा शरीर, सिर जो बालों से भरा हुआ था और अच्छे घुंघराले बाल आ गए थे, जबकि नाम निशान नहीं था। और लड़की का उसके बाद दिमाग ऐसा खुला कि 1.5-2 साल की बच्ची जैसे 3-4 साल का बच्चा बात करता है ऐसे बात करना शुरू कर दी, दिमाग भी खुला उसे। अब 6 साल की जब बच्ची होगी तो मेरे पास आए वो कि ये हमने स्कूल में नहीं अभी रखी है, हमें इस बात का डर है कि कहीं बच्चों से खेलते खेलते इसके सिर पे कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने कहा ये आपकी बहम की बातें हैं, अब इसके सिर में कुछ नहीं है और सारा कुछ ठीक है और बच्ची इतनी होनहार है, आप इसको दाखिल कराइए। बिल्कुल। और वो बच्ची स्कूल में इतनी इंटेलिजेंट चली कि आज जो अध्यापक ने पढ़ाया दूसरे दिन वैसे ही उसने बता दिया अध्यापक को जैसे उसने पढ़ाया था। जो उससे 3-3, 4-4 महीने पहले बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों से भी आगे उसका दिमाग निकला।
और जब लिखना सिखाया तो 2 दिन में वो ऐसे लिखने लगी जैसे तीसरी चौथी का बच्चा लिखता है, परंतु उसके बाद वो बच्ची मेरे पास आई नहीं। आप नहीं मुझे पता कि कैसी कैसी नहीं है, परंतु ये मैं जो भी कार्य करता हूँ मैं प्रैक्टिकल से करता हूँ, मैं किसी थ्योरी को पढ़ के नहीं करता। उसके बाद जो भी कभी किसी का फोन आता तो मैं उनको बताता हूँ कि आप ये चीज़ करिए और राम मिल जाएगा। तो हर महीने 10 से 15 केस आते हैं जले हुए के, जो ज़्यादा जल चुके हैं उनको तो बुलाता हूँ मैं अपने पास, तब दवाई देता हूँ। जो कम जले हैं उनको घर में उपचार बताता हूँ कि आप ऐसे कर लें, बच्चे को जल नहीं रहेगी और जख्म भी जल्दी भर जाएगा। अब ऐसे तो मेरे पास कई हजारों ऐसे नुस्खे हैं जिससे मैं जले हुए जख्मों को भरता हूँ, परंतु मेरे मन की अभिलाषा यही रहती है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए और चूल्हे चौके में उसी चीज़ से उपचार किया जाए तो सबसे अच्छा है। जिस चीज़ के लिए हमें भटकना पड़े, जंगल में जाना पड़े या दुकानों से जाके लानी पड़े, उसमें मुझे दुख होता है। तो 108 वस्तुएं हमारे रसोई घर में ऐसी है जो पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्चिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरा नाम मोहित सिंगल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था, कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, जो मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ, और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था, और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई। और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली, मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ, खाना भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे, और इंजेक्शन लगते थे मेरे को बी कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे, फिर मैं थोड़ा सा दो चार महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई पहले, वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए, उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है, और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया, और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अमरेश कुमार। अमरेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मतलब उन्नाव से बोल रहा हूँ मैं, यूपी। जी जी अपना सवाल पूछे, गुरु जी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर मतलब हमें लैट्रिन नहीं लगती कतई। अच्छा, मतलब प्रेशर भी नहीं बन पाता है आपका, पेट खराब रहता है क्या? ये समस्या सर हमारे 20 साल से है। जी देखिए, जब पाचन शक्ति खराब हो जाए, नाभि भी अपनी जगह से हट जाए, तो ये बीमारी पैदा होती है।
और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी में नहीं है, परंतु मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो अपने मुंह से बोलने के मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाना है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो पेट तो आपका दवाई देने के 2 घंटे के अंदर साफ होना शुरू हो जाएगा। और जो नियम बताए जाएंगे, परहेज करेंगे तो हर रोज़ सुबह 4 बजे पेट साफ होया करेगा। और नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। कुलदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कुलदीप सिंह अमृतसर से। अमृतसर से जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे ना बालों में सफेदी आ रही है, फेस पे भी है तो और सिर पे भी है। जी बालों में सफेदी बहुत ज्यादा है। देखिए जब किसी का नज़ला बालों की जड़ों में पक जाए तो बाल झड़ने भी शुरू होते हैं, सफ़ेद भी जल्दी हो जाते हैं। अब इसका उपचार TV के माध्यम से नहीं मैं करता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप नियम से करते हैं, परहेज करते हैं और जो नियम मैं बताता हूँ करते हैं तो 15 दिन में आपके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं और नीचे से काले आने शुरू हो जाएंगे और 2-2.5 साल में बाल जो हैं पूरे के पूरे काले हो जाएंगे। बिल्कुल, विशेष चीज़ें आपको जो बताई गई हैं इनको आप निश्चित तौर पर करें, आपको यकीनन लाभ होगा। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।